तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जगनजीत टॉक चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये जेठालाल और अंजलि भाभी के बारे में है और ये स्टोरी एक बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है, तो इस स्टोरी का मजा उठाते हैं चलिए साथ में। तो दोस्तों, ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि आपने वो वाले एपिसोड्स देखे होंगे जिसमें जो हमारे तारक भाई हैं, तारक मेहता साहब हैं, उनका चक्कर चलने लग जाता है किसी लड़की के साथ। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप एपिसोड देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो फिर दोस्तों, ऐसा होता क्या है इस स्टोरी में मैं बताता हूँ कि जो हमारी अंजलि भाभी है वह तारक भाई का लैपटॉप चेक कर लेती है जिसमें वह किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं और बिल्कुल ही वैसी वैसी बातें कर रहे होते हैं। तो अंजलि भाभी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि वह किसी और लड़की से ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि जो मेरे तारक हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो फिर दोस्तों, वो पता है क्या करती हैं, वो जो जेठालाल है, आप तो जानते हैं कि जेठालाल और तारक भाई बेस्ट फ्रेंड हैं, तो जो हमारी अंजलि भाभी है वह सबसे पहले इस बात को जेठालाल को बताती है। तो वह जेठालाल को कॉल करती है, तो जेठालाल बताता है कि अंजलि भाभी बोलिए आपने कैसे कॉल किया, मैं अभी दुकान में हूँ, गोडाउन में बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों, जो हमारी अंजलि भाभी है वह रोने लगती है, वह कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं है, वह बस रोने लगती है। तो फिर जो हमारे जेठा भाई हैं वह पूछते हैं कि अंजलि भाभी मैंने ऐसा क्या कर दिया, बोलिए मुझसे कोई गलती हुई है क्या। तो फिर दोस्तों, जो हमारी अंजलि भाभी है वह रोते हुए आवाज़ में बोलती है कि जेठा जी, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, जो तारक भाई है, जो मेरे पति है, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया है, वह किसी लड़की से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे घर आ जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत बेकार लग रहा है, अगर आप मेरे घर नहीं आएंगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो फिर दोस्तों, ये बातें सुन के जो हमारा जेठा भाई है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन वह बस घर चला जाता है कैसे भी करके जल्दी जल्दी से। और गोकुल धाम पहुँचते ही वह सबसे पहले अंजलि भाभी के घर जाता है, अपने घर भी नहीं जाता, अंजलि भाभी के घर जाता है। और जैसे ही वह अंजलि भाभी के रूम में घुसता है वह जेठा भाई को मतलब एकदम कस के गले लगा लेती है और गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और दोस्तों, आपको पता है कि जब वह